Hi everyone. Today we वी going to study स्टडी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन इंटीग्रेशन नाउ इंटीग्रेशन में अब तक वी हैव सीन नॉर्मल इंटीग्रेशन मेथड ऑफ We've वी seen the integrals of the ऑफ द टाइप यू नो ए रेस टू एक्स प्लस बी डिडेड बाई सी ई रेस टू एक्स प्लस डी वैसे सब भी हमने कर लिया है लेकिन अभी जो हम करने वाले हैं ये एक सेट ऑफ फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है तो दीज फोर फॉर्मूले दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इंटीग्रल्स डिपेंडेंट है ठीक है तो ये सबसे बेसिक है इस, इसके ऊपर ही हम थोड़ा सा और अगर चेंजेस बनाए तो हमें अलग अलग टाइप के सम्स मिलते हैं बट सबसे बेसिक तो यही है ठीक है तो पहले हम ये फॉर्मूले देख लेते हैं उसके बाद पहले सबसे बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं इस वीडियो में और फिर अगले वीडियोस में हम थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे ओके सो यू हैव टू रिमेम्बर दीज फोर फार्मूले ये नहीं भूलना है ठीक है ये याद रखना ही है तो टेंशन मत लेना क्या होगा एज यू सोल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन वो ऑटोमेटिकली याद भी हो ही जाएंगे ओके सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट फार्मूला फर्स्ट फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर ठीक है मतलब अगर वेरिएबल है एंड देन देर इज सम कांस्टेंट का स्क्वायर देन द इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी ओके देन उसके बाद इफ आई हैव इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसका उल्टा देन इट इज वन अपॉन टू ए ऑफ ए प्लस डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स ओके नाउ नेक्स्ट इफ यू हैव वन डिवाइडेड बाई स्क्र रूट ठीक है ये स्क्वायर रूट वाला फार्मूला है डिफरेंट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्र देन दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस जो इधर है ना वही यहां पर भी आएगा ये दोनों फार्मूले बहुत ईजी है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट यू विल बी एबल टू रिमेम्बर एंड सिमिलरली दिस इज वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो तभी लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है प्लस सी तो अभी के लिए यू कैन राइट डाउन द फॉर्मुले इन फ्रंट ऑफ यू एंड फिर वेन एवर यू आर सॉल्विंग द सम्सार्म से देखते रहो बट धीरे धीरे ट्राई टू रिमेम्बर द फॉर्मुलेकेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई नाइन एक्स स्क् माइनस फोर ठीक है अभी हमने जो भी फॉर्मुले देखे उसमें कभी भी एक्स के सामने कुछ भी नहीं था ओके okay? एक्स के सामने हमेशा इट वॉज वन इट वॉज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उट साइड्स मैंस divided by बाय नाइन डी एक्स इसका इंटीग्रेशन ठीक है और इस नाइन को अब मैं बाहर ही लेके जाती हूँ इट्स कांस्टेंट सो डिवाइडेड बाय नाइन इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वे माइनस अब ये तो मैं लिख सकती हूं एज ए स्क्वायर दिस इज टू बाई थ्री का स्क्वेर डीएक्स तो यहां पर ए का वैल्यू एज टू बाई थ्री एंड वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओके नाउ द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वेयर इज गिवन बाय दिस ओके सो लेट मी यूज दिस फॉर्मूला वन डिवाइडेड बाय टू इंटू टू बाय थ्री ए का वैल्यू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए सो एक्स माइनस टू बाय थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू बाय थ्री ठीक है प्लस सी फाइन अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये थ्री और नाइन कट हो जाएगा ऊपर सिर्फ थ्री रहेगा सो बी थ्री इन फोर विच इज वन अपॉन ट्वेल्व ओके एंड देन योर वी हैव लॉग ऑफ अब मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ तो मुझे मिलता है डिवाइडेड डिवाइडेड एंड नीचे मिलेगा 3x 2 3, वो थ्री और थ्री कट हो जाएगा तो अपने पास सिर्फ होगा थ्री एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री एक्स प्लस टू प्लस सी ओके एंड ये है अपना फाइनल आंसर तो एग्जाम में जब भी लिख रहे हो ना और ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो मेरे हिसाब से हमेशा यहाँ पे वो उन द फॉर्मूला ठीक है सो यू शुड ऑलवेज राइट इट डाउन सो दैट अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया एटलीस्ट रिटर्न डाउन द फॉर्मूला थोड़े से मार्क्स तो दे देंगे ओके सो लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी एंड अभी फिलहाल भी लिखते ही रहो सो so दैट तुमको फार्मूला याद होते रहे ठीक है सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइडेड बाई स एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि नाइन को बाहर निकालेंगे सो वी गेट वन डिवाइडेड बाई नाइन इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई 16 बाई नाइन माइनस एक्स स्क् डीएक्स ठीक है और अभी ये सिक्सटीन बाई नाइन को हम लिखेंगे फोर बाई थ्री द होल स्क्वायर minus x square dx and now this is of the form a square minus x square. So let me write down the formula first. Integration of 1 divided by a square minus x square dx is equal to 1 divided by 2a log of a plus x divided by a minus x plus c. So using this formula now I write down that this is equal to 1 divided by 2 into a which is 4 upon 3 लॉग ऑफ ए प्लस एक्स सो फोर बाई थ्री प्लस एक्स डिवाइडेड बाय फोर बाई थ्री माइनस एक्स प्लस सी ठीक है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये कट हो जाएगा एंड वी विल गेट एट इंटू थ्री दैट इज वन अपॉन ट्वेंटी फोर ओके एंड दैट इज लॉग ऑफ यहाँ पे इस थ्री को ऊपर लेके जाएंगे तो मिलेगा फोर प्लस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री एंड यहां मिलेगा फोर माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री थ्री और थ्री कट हो जाएगा सो वी विल हैव जस्ट है माइनस थ्री एक्स प्लस सी ओके दैट इज आर आंसर इन दिस क्वेश्चन अगेन हमारे पास x के सामने कुछ है हमें वो नहीं चाहिए तो वी विल हैव टू रिमूव इट आउटसाइड अभी वी आर रिमूविंग इट आउटसाइड द स्क्वेयर रूट ठीक है तो जब आउटसाइड द स्क्वेयर रूट करते हैं तभी उसका स्क्वेयर रूट भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे जब नाइन निकालेंगे तब तो वो स्क्वेयर रूट के बाहर आएगा तो थ्री हो जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई नाइन

is equal to log of x plus square root of x square plus a square comma plus c okay so therefore this is equal to 1 upon 3 into log of x plus square root of x square plus 5 by 3 the whole square comma plus c okay this is our answer Now next question. Fourth question may we have integration of one divided by square root of four x square minus nine. यहाँ पे भी हमें फोर को बाहर निकालना पड़ेगा जब फोर को स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तब वो टू हो जाएगा सो दे फोर वी हैव दिस इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बाय फोर डी ओके नाउ दिस इज इक्वल टू थ्री बाई टू द होल स्क् नाउ वील राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर दिस इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वेर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क् माइनस ए स्क्वायर प्लस सी सो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वी गेट हाफ लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क् माइनस थ्री बाई टू दो होल स्क्र प्लस सी ये है अपना आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो इस टाइप का नहीं दिखता लेकिन एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है सब्सटीट्यूशन मेथड भी और ये फॉर्मूला भी यहां पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे लॉग एक्स को एज टी ठीक है तो उसके साथ स्टार्ट करते हैं सो लेट लॉग एक्स बी इक्वल टू टी देन वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मतलब ये और ये तो डी टी हो गया और ये है टी सो देयरफॉर दिस बिकम्स वन अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ टी स्क् माइनस फाइव डी और इसका तो फॉर्मूला है अपने पास द वन दट वी जस्ट यूज दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वेर माइनस फाइव ठीक है प्लस सी मैं फाइव को हमेशा लिख सकती हूं स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव द होल स्क् अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन हो तो इसको हमेशा ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फाइव द होल स्क्वेयर यहां पे इसलिए वो फाइव ही रहता है ओके एंड नाउ लेट मी सब्सिट्यूट द वैल्यू फॉर टी सो दिस बिकम्स लॉग ऑफ मॉड लॉग एक्स प्लस स्क् रूट ऑफ लॉग एक्स द होल स्क् माइनस फाइव प्लस सी ओके दिस इज आर आंसर अभी हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म पोलोनॉमियल डिवाइडेड बाई पोलोनोमियल लेकिन ऊपर वाले का ना डिग्री ज्यादा होगा नीचे वाले पोलोनॉमियल से ठीक है डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर तो ये टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व करके ही दिखाती हूँ ये कैसे सॉल्व करना है यहां पे इफ यू ऑब्जर्व जो न्यूमरेटर है उसका डिग्री थ्री है और जो डिनोमिनेटर है उसका डिग्री इज टू सो इन दिस केस फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज दैट यू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर अब पोलोनॉम्यूज को डिवाइड करना एक्चुअली इज ईजी नॉर्मली करना है तो पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे ठीक है फिर उसके बाहर उसका डिवाइजर इज गोइंग टू बी द डिनोमिनेटर एंड नाउ वी विल स्टार्ट डिवाइडिंग हमेशा पहले देखना है कि ये वाला और इसको बराबर करने के लिए जो फर्स्ट टर्म यहां पे है और इसको बराबर करने के लिए वॉट विल आई हैव टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए आई विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय एक्स अभी ये एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो और यहां पे नीचे लिखो एक्स स्क्र इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स इंटू माइनस वन इज माइनस एक्स ठीक है फिर हम सब करेंगे तो साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे सो so, ये तो कैंसिल हो गया और यहां पे हमें क्या मिलेगा वी विल गेट टू एक्स बिकॉज एक्स प्लस एक्स प्लस वन ठीक है अगर यहां पे यू ऑब्जर्व दैट इसका डिग्री इससे कम है तो क्वेश्चन खत्म हो गया लेकिन सपोज ऐसा नहीं होता तो वापस यू वुड कंपेयर विद दिस एंड द फर्स्ट वन ओवर योर एंड देन चेक बट यहाँ पे आर क्वेश्चन इज डन सो नाउ इफ यू रिमेम्बर देर वॉज अ फॉर्मूला डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है जो इसके अंदर होता है यहां पे दिस इज द डिविडेंड। दिस इज द डिवाइजर जो डिवाइड करता है उसको डिवाइजर बोलते हैं ठीक है दिस इज द क्वेश्चन एंड इसको हम बुलाते हैं एज रिमाइंडर जो बच जाता है ठीक है सो डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू टू डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश प्लस रिमाइंडर ठीक है सो देफोर आई कैन से दैट एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन ठीक है अभी इसके बाद हम क्या करेंगे कि वी विल राइट दिस इन प्लेस ऑफ द न्यूमरेटर सो वी गेट दैट आर इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वे माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वे माइनस वन डीएक्स ठीक है अभी हम क्या करते हैं ये और ये कैंसल हो जाएगा तो पहले वाले में रहेगा सिर्फ x x dx एक्स प्लस यहां पर रहेगा 2x एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेर माइनस वन अब इसको तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकती हूं इसको मैं और सेपरेट करती हूँ ठीक है तो यहां पे भी गेट इसका आंसर इज एक्स स्क्र बाई टू प्लस दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेर माइनस वन प्लस दिस इज वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स एक्चुअली क्योंकि हमने ये कर लिया ना इसका एक प्लस सी भी बाहर आ जाएगा इसको तो इंटीग्रेट कर चुके हैं ना हम लोग अभी देखो यहां पे ये वाला तो सब्सटीट्यूशन मेथड से हो जाएगा अगर मैंने डिनोमिनेटर को टी लिया तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर ही है तो मैं इसको लिखती हूं एस आई टू और इसको लिखती हुई थ्री ठीक है अलग अलग करते हैं हम लोग तो और ये है एक्स स्क्वेर बाई टू सो फॉर आई टू सब्सटीट्यूट क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि किसमें सब्सटीट्यूट करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी देफो टू एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी ठीक है देफो आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी डी टी विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्र माइनस वन प्लस सी ठीक है और आई थ्री तो डायरेक्टली फॉर्मूला से होगा क्योंकि दिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्र माइनस वन स्क्वेयर सो आई थ्री का तो डायरेक्टली फॉर्मूला से आंसर इज इक्वल टू वन अपॉन टू इन टू ए विच इज वन लॉग ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस सी ठीक है सो देर फॉर फाइनली द वैल्यू फॉर आई इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाई टू प्लस आई टू का वैल्यू लॉग ऑफ एक्स स्क्स वन प्लस आई थ्री का वैल्यू वन अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस एक ही बार फिर हम सी लिख देंगे क्योंकि सारा कांस्टेंट है ना तो सारे कांस्टेंट को मैं ऐड कर दूंगी तो फिर भी कांस्टेंट ही आएगा तो हम प्लस सी लिख देते हैं अब हम अगले वीडियो में और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो इन फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है